हाँ छोटे जल्दी कर, अबू बुला रहे हैं। छोटा कहाँ गया, कहाँ जा सकता है यार, कहाँ चला गया, अभी तो मेरे साथ था, बिना बताए कहाँ जा सकता है। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो ना, वो हमारे कब्जे में है, अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो ना तो तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। क्या, मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में? खुदा के लिए उसे कुछ मत करना, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगा? ये मेरा काम नहीं है, जहाँ से मर्जी लाओ पैसे, और तुम्हारे पास आज शाम तक का टाइम है। भाई मेरी बात सुनो, हेलो हेलो, अकरम बात सुन, बता कितने पैसे पड़े हैं तेरे पास? मालिक क्या हुआ, क्यों परेशान हो, मेरे पास तो 1 लाख पड़ा है। सिर्फ 1 लाख रुपए? तू एक काम कर, ये सारा माल बेच दे और जल्दी से पैसों का बंदोबस्त कर, मुझे अशद जरूरत है। साहब मुझे बताओ तो सही, क्या परेशानी है? वो मैं अभी नहीं बता सकता, तू बस जल्दी जा। भाई मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया, बताओ कहाँ देने। ठीक है, तुम उसी होटल पे मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। बात सुनो, लाओ इधर पैसे। क्या हसन, तुम तो एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हो, फिर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? तुम भी तो एक अच्छे घर से ताल्लुक रखते हो, तुम लोगों का हक मारो तो सही है, याद है वो तुम्हें बुरा आदमी। साहब मेरे माल का वजन हो गया है, 2 टन हुआ है, इसका हिसाब कर दो। 2 टन कहाँ से, 1 टन बड़ी मुश्किल से हुआ है, सारा कचरा था। साहब इतना ज्यादा फर्क, मेरे साथ ज्यादती ना करो, मैं गरीब बंदा हूँ। ये क्या रोल है भाई, तेरा मालिक कैसे कैसे कर सकता है, 2 टन को 1 टन कैसे बता सकता है, इतना ज्यादा फर्क। साहब बस आप छोड़ो, लोगों को हक मारने को ये अपना फर्ज समझता है। ए रोना धोना बंद कर, तेरे 1 टन के हिसाब से पैसे बनेंगे, लेने हैं तो ले, नहीं तो चलता बन यहाँ से। साहब ऐसा मत करो, मैं कितने महीनों से इसका इकट्ठा कर रहा था, इसे बेच कर मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। ओए अकरम इधर आ, उठा इसका माल और बाहर फेंक। ठीक है साहब, जितने पैसे बनते हैं उतने दे दो। अब आए ना लाइन पे। उसे छोड़ो, ये बताओ मेरे भाई कहाँ है? मिल जाता है तुम्हें तुम्हारा भाई, पहले पैसे मेरे हवाले करो। ये लो पैसे। ये रहा तुम्हारा भाई। तुमने ऐसा क्यों किया बताता हूं, इधर आओ। इसको इसका हक दिलाने के लिए, क्योंकि तुम जैसे लोग शराफत की बात नहीं समझते, जब तक तुम्हारे साथ वही सलूक ना किया जाए जो तुम दूसरों के साथ करते हो। अब दफा हो जाओ यहां से। ये लो बाबा जी आपकी अमानत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह।